करते हैं, सबसे पहले हम आपसे ग्रामर का स्पेलिंग पूछेंगे। आप बता के दिखाइए कि ग्रामर का स्पेलिंग क्या होता है। आप हमें कमेंट में लिख के बताइए ग्रामर का स्पेलिंग क्या होता है। एकदम जी आर ए डबल एम ए आर। देखिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया विशाल पाल जी। ग्रामर, ग्रामर बहुत बढ़िया आपकी। प्रेम जी बहुत बढ़िया, प्रेम जी बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। अमन जी वेरी गुड। थोड़ा आप हमें बताएंगे, आज तो बिल्कुल साफ आपको दिखाई दे रहा होगा, आज में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा बिल्कुल। देखिए आज मैं आपको ग्रामर का इस वर्ड मीनिंग का मैं कुछ ऐसा ट्रिक बताना चाहता हूं। देखिएगा ग्रा, जी आर ए ग्रा, तो जी से गो और गो से जो गाड़ाहा, गाड़ाहा तो ध्यान दियो गाड़ाहा, गाड़ाहा और डबल एम ए आर मोर, गाड़ाहा में जाके मोर। बाबू बराबर याद रखिएगा, बहुत बढ़िया ग्रामर का स्पेलिंग। जय हिंद जय हिंद सर, आई लव आर्मी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कंजक्शन पढ़ाइए, थोड़ा सा आज ही चैप्टर शुरू किए हैं। व्हाट इज प्रोसोडी, इसी में मालूम चल जाएगा व्हाट इज प्रोसोडी। ऑर्थोग्राफी, हाँ इटिमोलॉजी, सिंटैक्स, प्रोसोडी सब इसी में मालूम चलेगा। ग्रामर तो ग्रा अमर, गढ़ा में जाके मर, बात खत्म। अब गढ़ा में जाइब तो कौन कौन सी बाबू तारा भेटाई तने ध्यान से ही देख लो। ग्रामर किसे कहते हैं, एकदम गढ़ा में जाइब ठीक से ना चलब गिर जाइब, तो ठीक से ना चलब ये कहाँ लिखल बा हो, देखिएगा ध्यान से। ग्रामर किसे कहते हैं, देखिएगा ध्यान से। सही सही, एकदम सही 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 ज्ञान ही ग्रामर कहलाता है। एकदम ध्यान देंगे, इसको हम कैसे आपको इंग्लिश में बता रहे हैं थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा। बिल्कुल सही सही ज्ञान ही ग्रामर के नाम से जाना जाता है। और सही सही माने क्या होता है, करेक्ट, सी ओ डबल आर ई सी टी, को रेक रेक टी से टॉप, करेक्ट। एकदम ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल एकदम, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा। करेक्ट क्या चीज जी, ज्ञान, करेक्ट नॉलेज, नो लेज, देखेंगे एल ई डी जी ई, करेक्ट नॉलेज। किस चीज का करेक्ट नॉलेज होना चाहिए हमारे पास। अमन बाबू बहुत बेहतर लगा, विशाल पाल जी, प्रेम जी काफी अच्छा लगा, सौरभ पटेल जी देख सकते हैं हम। करेक्ट नॉलेज किस चीज का, राइटिंग, डब्ल्यू आर आई टी आई एन जी, राइटिंग, बिल्कुल फाइनल देख सकते हैं, राइटिंग हो गया। उसके बाद से हमारे पास क्या आ जाएगा, रीडिंग, रीडिंग आ गया। उसके बाद से हमारे पास क्या आ गया, स्पीकिंग आ गया, बिल्कुल फाइनल देख सकते हैं। करेक्ट नॉलेज, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग, बिल्कुल फाइनल है हमारे पास, आप देख भी सकते हैं व्हाट इज ग्रामर। बहुत बढ़िया, व्हाट इज ग्रामर, सही ज्ञान, सही ज्ञान, करेक्ट नॉलेज किस चीज का, रीडिंग राइटिंग एंड स्पीकिंग इज कॉल्ड, बिल्कुल इज कॉल्ड क्या है, लेढ़ा हुआ ग्रामर, बुझा गया एकदम धड़ाक दे, कोई टेंशन नहीं है इसमें। करेक्ट रीडिंग राइटिंग एंड स्पीकिंग इज कॉल्ड ग्रामर, थोड़ा ध्यान देंगे बाबू, आज का नेटवर्क टॉफ है। हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आज का नेटवर्क टॉफ है। करेक्ट रीडिंग राइटिंग एंड स्पीकिंग इज कॉल्ड ग्रामर, थोड़ा ध्यान देंगे, इसको हम कहां पर ले जाएंगे ये बाबू, ध्यान देंगे। यहां पे नॉलेज है और नॉलेज को हम उठा के एक नंबर में बोलेंगे, नॉलेज, ए जिसके पास नॉलेज होगा वो तुर देगा, एकदम तुर देगा बाबू, ध्यान से। तो नॉलेज तुर यानी टू, नॉलेज टू करेक्ट रीडिंग राइटिंग
एंड स्पीकिंग इज कॉल्ड ग्रामर। बिल्कुल ही ग्रामर की परिभाषा आपके सामने सटीक रूप में दी गई है। मेरे प्यारे भाइयों, आप देख सकते हैं यहां पे ग्रामर की परिभाषा। मैं स्क्रीन के सामने नहीं आना चाहता। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया प्रेम कुमार जी, बहुत बढ़िया। नॉलेज टू करेक्ट रीडिंग राइटिंग एंड स्पीकिंग इज कॉल्ड ग्रामर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा सौरभ पटेल जी। कैसा लगा आप हमें जरूर बताएंगे इसके बारे में, पुनः हम आपको आगे की तरफ लेकर के चलेंगे और उससे भी बताएंगे। अब हम आपको ग्रामर स्क्रीनशॉट आप ले लिया कीजिएगा, मैं आपको हर बार मैं छोड़ा करूंगा। बिल्कुल स्क्रीनशॉट आप ले लिया कीजिएगा, थोड़ा ध्यान से बाबू देखेंगे। इसका फर्स्ट पार्ट है, और नहीं पढ़ने आता है इंग्लिश मत पढ़िए, कोई नहीं कहता है कि आप पढ़िए। ऑर्थो ग्राफी, ये फर्स्ट पार्ट है, ध्यान देंगे एकदम बिल्कुल। नॉलेज टू राइटिंग रीडिंग, बहुत अच्छा लगा प्रिंस भारती। कंजक्शन पढ़ाइए बाबू, अभी ग्रामर शुरू किए हैं, डेली ग्रामर का हम थोड़ा थोड़ा आपको लेकर के चलेंगे। ऑर्थोग्राफी, ऑर्थोग्राफी, और थो टी एच से थ होता है कि नहीं, वो हो गया तो थो हो गया। ग्रा जी आर ए ग्रा, फी पी एच वाई से फी हो गया, एकदम आप देख सकते हैं। ऑर्थोग्राफी पहला पार्ट का नाम हो गया बाबू, ऑर्थोग्राफी, एकदम ध्यान से बिल्कुल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सौरभ पटेल जी, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा हमें आप लोगों के कमेंट का जवाब रहा। दूसरा दूसरा पार्ट, ए बाबू ई करके पढ़ा, ई टी मो लो अजी इटीमोलॉजी, बहुत अच्छा लगा। यूपी से और जहानाबाद से बने हुए हैं सौरभ पटेल और विशाल पाल, बहुत अच्छा लगा। प्रिंस भारती राजा पट्टी से हैं, बहुत अच्छा लगा, देख सकते हैं हम यहां पे इटीमोलॉजी, ऑर्थोग्राफी, एकदम पढ़ने में कोई टेंशन नहीं। ऑर्थोग्राफी की हिंदी होती है क्या, वर्ण विचार, बिल्कुल देखेंगे वर्ण विचार, एकदम हम यहां पे लिख दे रहे हैं वर्ण विचार, बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा होगा ऑर्थोग्राफी। सर मेरे फ्रेंड हैं सौरभ भाई, अच्छा फ्रेंड हैं, बहुत बढ़िया है, फ्रेंड हैं तो बहुत बढ़िया है। अमन कुमार, अच्छा गोपालगंज से अमन कुमार, बहुत बढ़िया, क्या हाल है बाबू अमन बाबू, कैसा लगता है पढ़ाई, और भी आप गोपालगंज में बच्चों को जोड़ा करेंगे अमन, देखेंगे। और ऑर्थोग्राफी, ऑर्थोग्राफी वर्ण विचार, इटीमोलॉजी, इटीमोलॉजी, इटीमोलॉजी का हो गया क्या शब्द विचार, एकदम ध्यान देंगे शब्द विचार इटीमोलॉजी। कल हम इसके बारे में अलग अलग पढ़ेंगे, अभी हम इसके बारे में यही जानेंगे। तीसरा हमारा जो तीसरा टॉपिक आएगा आपके सामने, सिन, सिन टैक्स, सिन टैक्स, पढ़ने का तरीका देखिए। जिस बच्चे को पढ़ने नहीं आएगा, जिस बच्चे को पढ़ने नहीं आएगा उस बच्चे को मैं बताऊंगा, कल मैं इसका डिफिनेशन बताऊंगा। सिन टैक्स, सिन टैक्स देखेंगे, एस वाई एन सिन टी ए एक्स सिंटैक्स। उसके बाद चौथा हम देखेंगे बाबू, बहुत ही अच्छा सा चीज है, पंक पंक्चुएशन, पंक्चुएशन, ध्यान देंगे थोड़ा सा आप। हु इज द फार्मर ऑफ ग्रामर, मिस्टर प्रिंस भारती, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पंक्चुएशन पंक, अच्छा पंक 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 पंक्चुएशन देखेंगे, पंक्चुएशन फाइव है। सौरभ पटेल जी ने हमें पहले ही आगाह किया था सर प्रोसोडी, ओके प्रोसोडी, बिल्कुल अच्छा लगा।
हाँ पंक्चुएशन ये होगा। हाँ बिल्कुल, आई रीड इंग्लिश परफेक्टली, वेरी गुड। फर्स्ट ऑर्थोग्राफी, सेकंड इटिमोलॉजी, थर्ड है सिंटैक्स, फोर्थ है पंक्चुएशन और फाइव है प्रोसोडी। कल हम इसके बारे में जरूर ही, बहुत अच्छा लगा सौरभ, चैन विचार।